मेरा नमक इश्क की बात करें तो शो में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। युग जो है वो कहानी को जिम्मेदार समझता है क्योंकि रूपा ने आत्महत्या की है, लेकिन यहाँ रूपा ये बात कह देती है कि मैं पूजा करने गई थी छत पर और मेरा पैर फिसल गया था। युग ने कहानी को काफ़ी तकलीफ दी है, उसके घाव में भी चोट आई थी जिससे खून आने लगा था। इस वजह से जो है कहानी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और जब कहानी घर लौटने लगी थी तब उसे चक्कर आने लगे थे। पीछे युग था, युग ने उसे संभाला और उसे वो घर लेकर जाता है। ऐसे में युग परेशान है, युग कह रहा है कि मेरा दिल और दिमाग दोनों अलग बातें कर रहा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो मेरी फैमिली के साथ। लेकिन फिर पल भर में मेरा जो ये सोच है वो बदल जाता है। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी के पास युग आता है और कहता है कि तुम ये जगह क्यों नहीं छोड़ देती हो, तुम बार बार इतनी प्रॉब्लम में फंसती हो और तुम अपने आप को बेगुनाह कहती हो तो तुम ये जगह क्यों नहीं छोड़ के चली जाती, मेरी फैमिली से मेरे टच मेरी फैमिली से मेरे भैया से मेरे भाभी से दूर क्यों नहीं जाती हो। उसके बाद युग जो है पैसे देता है और उसके सारे सामान को पैक करता है और कहता है कि तुम चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ कि तुम्हें कहाँ जाना है। देखना यह है कि क्या कहानी जो है वो युग को सच्चाई बता देगी कि आखिर वो क्यों मजबूर है, क्योंकि लक्की जेल में है। रौनक ने लक्की को जेल में डाला हुआ है और रौनक जब तक शादी नहीं करेगा तब तक लक्की आज़ाद नहीं होगा। क्या युग को ये सच्चाई मालूम पड़ेगी? वेल, अब आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में जहां कहानी की सच्चाई युग के सामने फिलहाल नहीं आएगी तो वहीं गलतफहमी बढ़ती ही चली जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट, वेब 23 न्यूज़।